बेटा आज का अपना टॉपिक है चार पीट्स मेथड फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पर इस तो पहले बेटा आपको की पढ़ने पैणगे इस सोल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जो आप क्वेश्चन करांगे बेटा इन्हां सोल्यूशन नूं अपने कैलकुलेट करना। सो प्लीज बड़े ध्यान नाल करना बेटा, ये फोर टाइप्स के सोल्यूशन है पुत्र। सब तो पहला है अपने कंप्लीट सोल्यूशन और इंटीग्रल। कंप्लीट सोल्यूशन और इंटीग्रल दे विच की पढ़ना बेटा, अपन एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। मैंने एक रिलेशन बना लिया बेटा, वी फाइंड एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू जीरो। एच किन्ने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है बेटा, टू। जे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट arbitrary constant equal to number of independent variable, then this is called complete solution of partial differential equation 1। तब पहले की बोलांगे complete solution, बोलांगे partial differential equation। ये for example बेटा, z इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया बेटा पार्शियल डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल एक्स। सुन पता है इसमें किस नाल नोट करते हैं बेटा, p नाल। जो x नाल किया बेटा y की हो गया कॉन्सटेंट y प्लस बी। जो पार्शियल डेरिवेटिव किया बेटा y नाल z नू, तो मिल लवे कि आ गया बेटा x प्लस ए। इन इस पुट करता z इक्वल टू की बन गया पुत्र ठीक है। तो आपा की कहांगे यह जड़ा है इसका की आ गया बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन। सेकंड आपा पढ़ांगे बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन की होता है ऑब्टेन फ्रॉम कितों मिलता है बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन बाय पुटिंग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। अपा जे उन्हां दी वैल्यूज पुट कर दी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दी, देन कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कित्थों मिलदा बेटा अपन कंप्लीट सॉल्यूशन तो। ए की सी कंप्लीट सॉल्यूशन, मैं एग्जांपल नाल समझा रहा बेटा। मैं उरे ए दी वैल्यू 1 बी दी वैल्यू 2 पुट कर, तो आप लगे की बनूगा बेटा रिलेशन z इक्वल टू p के वो पार्शियल डेरिवेटिव करके। तो आप की बोलांगे यह की है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस तो अंदर बेटा आप लगे सिंगुलर सॉल्यूशन। बेटा देखो आप लगे ऐसी कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया सी ना, ये बेटा a b a की सी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन f x y z p q। इस दा की आ गया सी बेटा एक कंप्लीट सॉल्यूशन सी, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन पता इस दा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अपने की करना बेटा एक रिलेशन बनाना है वेरिएबल दे विच, z x y दे विच की बनाना है बेटा रिलेशन बनाना है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक तब उते इक्वेशन जिहड़ी अपन गिवन है a b कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बेटा इसका ए नाल की करांगे अपन डेरिवेटिव, एक बार की करांगे सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार बी नाल पार्शियल डेरिवेटिव। इन्हां तिन्नां रिलेशन दे विच्चों आपां ए बी की कर दांगे एलिमिनेट। जिहड़ा उत्थे रिलेशन बनूगा जेड एक्स वाई उस नूं की बोलांगे बेटा आपां सिंगल सॉल्यूशन बोलांगे। आपां नूं इह कंप्लीट सॉल्यूशन दित्ता होया बेटा। इक आपणे ते इक रिलेशन बनाउणा कि इस च जेड एक्स वाई दे विच वेरिएबल दे विच रिलेशन बनाउणा है by eliminating arbitrary constant। जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं लिख ली बेटा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। सो क्लियर है बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, किवें करना है पार्शियल डेरिवेटिव करके कर सकते हैं। हुण अपने की कैलकुलेट करना है बेटा कि सिंगुलर सॉल्यूशन। लेट इन मैं एफ लिख लिया आओ का पॉइंट किन्ना आ गया बेटा ए z माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए। इनू वन लिख लो, फिर अपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू ए। कितना आ जाएगा बेटा जीरो माइनस एक्स
माइनस जीरो माइनस बी। सो मेरे लिए कितना आ गया बेटा माइनस एक्स एक्स प्लस बी माइनस बेटा ये आ गई। इसमें इक्वल टू जीरो कर क्यों देखो बेटा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए अपने कीता सी जीरो और मेरे लिए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस एक्स। ओके फिर अपने की करना बेटा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी करना कितना आ गया बेटा अपने लिए जीरो माइनस वाई माइनस ए इन आप इक्वल टू की कर देंगे जी। सो मेरे लिए ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस पुट फ्रॉम फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड जिम्मे दसिया इस फर्स्ट सैकेंड थर्ड इन पुट कर दो बेटा जेट माइनस कि आ गया बेटा उरे ए की वैल्यू पुट करनी है प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। सो मेरे लिए आ रिलेशन बन गया इसनों की बोलांगे बेटा अपना सिंगुलर सोल्यूशन इस च नो आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट हूँ ध्यान रखिए बेटा इन सिंगुलर सोल्यूशन नो आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट इनवॉल्व तो रिलेशन बनेगा बेटा इस तरीके ना सुने नू सॉल्व करना क्वेश्चन एग्जाम्पल दे विच फोर्थ है बेटा आपके लगे जनरल सोल्यूशन की है बेटा अपन कंप्लीट सोल्यूशन गिवन है बेटा जब आप प्रूव कर लिया बेटा एफ एक्स वाई जेड ए वी इक्वल टू जीरो इज ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ स्मॉल एफ एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा पी कोमा क्यू इक्वल टू जीरो अपने एक रिलेशन मिल जाएगा बेटा जो आप कंप्लीट सोल्यूशन कर रहे हैं बेटा बी ते ए दे विच तब बी की दे इक्वल आ गया बेटा जी दैन पुट इन मैं उन्हें पुट करता कंप्लीट सोल्यूशन हूँ आपके लगे एक पैरामीटर एक आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट आ गया बेटा एलिमिनेट ए किस चो बेटा दिस इक्वेशन एंड डेल एफ अपॉन डेल ए इक्वल टू जीरो जेड़ा उरे एलिमिनेट कर देंगे जेड़ा रिलेशन बनूगा उसनु की बोलांगे बेटा सोल्यूशन है उसनु की बोलांगे आप जनरल सोल्यूशन हूँ आप शुरू कर लगे बेटा चारपीट मैथड चारपीट मैथड के की पढ़ना बेटा सुनने ये पढ़ना सुनने पुत फोर नॉन लीनियर पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन जी नॉन लीनियर पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन तो लीनियर की होंगी बेटा दस्या से पहले मैं रिपीट कर देना पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शल डेरीवेटिव अकर ओनली फर्स्ट डिग्री एंड नॉट मल्टीप्लाई टूगैदर द पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन जिम्मे फॉर एग्जाम्पल बेटा बेटा देखिए मैंने की लिखा बेटा उ करली सॉरी डेल जेट अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेट अपॉन डेल वाई प्लस फोर वाई इक्वल टू जी जी इक्वेशन है पुत्र की बन गई पी प्लस क्यू प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो लीनियर जे पुत्र पी स्केयर लीनियर है बेटा प्लस क्यू प्लस फोर पी क्यू इक्वल टू जीरो इसनों की बोलांगे नॉन लीनियर जिहड़ी लीनियर नहीं होंगी उसनों की बोलते हैं बेटा अपन नॉन लीनियर जब इसका मल्टीप्लाई हो बेटा आप जेड पी प्लस क्यू इक्वल टू फोर ए भी की है पुत्र आपके लवे नॉन लीनियर इसनों की बोलांगे लीनियर इन्होंने दोनों की बोलांगे नॉन लीनियर क्योंकि मेरे की क्या बेटा लीनियर कि होंगी है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शल डेरीवेटिव अकर ओनली फर्स्ट डिग्री नैक्सट मैं क्या नोट मल्टीप्लाई टू गैदर मल्टीप्लाई ना देखो इस दे जी पी क्यू ए फस्ट ऑर्डर की है सो ए की फस्ट तो आप बोलेंगे पुते लीनियर ये पार कि आ गई पी की बेटा टू सो इसन की बोलेंगे नॉन लीनियर इस मल्टीप्लाई होगी इसमें भी की बोलेंगे बेटा नॉन लीनियर। सो आप हम शुरू कर लगे बेटा चार पिट्स मैथड ये की पढ़ना एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथड कर लगे बेटा बड़े ध्यान करना बेटा जो एक रिजल्ट बनेगा उस नाले बेटा अगर क्वेश्चन सोल्व होंगे सो बड़े ध्यान करना बेटा एक नॉन लीनियर पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन की बना पुत्र मैंने एक नॉन लीनियर पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली बेटा इसमें बन दे सुन याद है बेटा वी नो दैट जेट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेट की फंक्शन होंगे बेटा एक्स एंड सो मैं डिफरेंशिएट करता बेटा इसमें डी जेड कि आ गया करली जेट अपॉन सॉरी डेल जेट अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेट अपॉन डेल वाई डी वाई
यू नो पी क्यू डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी इसनो की इक्वेशन नंबर टू पता बेटा टू मेक द इक्वेशन टू इंटेग्रेव वी फाइंड इनू इंटेग्रेव करन ली देखो नेचुरली कुत्ते इंटेग्रेव ता होगा जे पी क्यू दा रिलेशन एक्स वाई च होगा कुछ इस तरीके ना बन जे वैल्यू आ जाए भी अपना पूरे नु सॉल्व कर सकीए हुण पी क्यू दी वैल्यू कढ़न ली मैंने की किया बेटा एक एनदर रिलेशन कंसीडर कर लिया वी फाइंड एनदर रिलेशन फाई एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जी हम मैं किमें सोल्व कर रहा बेटा एक पूरे लास्ट के आप लोग इक्वेशन बनूगी जो क्वेश्चन के बहुत हेल्प करेगी सो बड़े ध्यान से समझना मैं किमें सोल्व कर रहा इस मैं पार्शली वन डिफरेंशिएट पार्शली वन विद रिस्पैक्ट टू वन एंड थर्ड विद रिस्पैक्ट टू एक्स मैं फर्स्ट या थर्ड नूं पार्शली डिफरेंशिएट करता बेटा विद रिस्पैक्ट टू एक्स ध्यान ना सुनना बेटा किवें कर रहे पहला एफ नूं क्यों एफ किहदा फंक्शन है बेटा एक्स वाई जेड सो एफ नूं पहला एक्स नाल डेल एक्स अपॉन डेल एक्स फिर एफ नूं वाई नाल बेटा डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस फिर जेड नाल बेटा डेल जेड अपॉन डेल एक्स फिर एफ किहदा फंक्शन है पी अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स दोबारा सुन लो बेटा एफ किहदा फंक्शन सी एक्स वाई जेड पी क्यू आपां किस नाल कर रहे बेटा देखो एफ किहदा फंक्शन है एक्स वाई जेड पी क्यू आपां अगे किस नाल कर रहे बेटा पार्शल डेरीवेटिव अगे एक्स नाल कर रहे हैं ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ ਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਐਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਐਫ ਨੂੰ ਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਐਫ ਨੂੰ ਜੈਡ ਨਾਲ ਜੈਡ ਨੂੰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਪੀ ਨਾਲ ਸੋ ਬਣਿਆ ਆ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਐਫ ਐਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਫਾਈ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫ ਐਫ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਫਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ F ਨੂੰ X ਨਾਲ X ਨੂੰ ਫਿਰ X ਨਾਲ F ਨੂੰ Y ਨਾਲ Y ਨੂੰ X ਨਾਲ Z ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ 0 ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂ Z ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ X ਐਂਡ Y ਜਦੋਂ X ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Y ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਪਲੱਸ ਇਹ 1 ਡੈਲ ਐਫ ਅਪੋਨ ਡੈਲ ਜੈਟ ਇਨਟੂ ਪੀ ਪਲੱਸ ਡੈਲ ਐਫ ਅਪੋਨ ਡੈਲ ਪੀ ਅਪੋਨ ਡੈਲ ਐਕਸ ਡੈਲ ਐਫ ਅਪੋਨ ਡੈਲ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਡੈਲ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 4 ਪਾ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਡੈਲ ਫਾਈ ਅਪੋਨ ਡੈਲ ਐਕਸ 1 0 डेल फाई अपॉन डेल जेट पी डेल फाई अपॉन डेल पी अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स मैं इहदे विचों बेटा 4 ते 5 दे विचों चाहे एक इलीमिनेट करना बेटा कोई भी इलीमिनेट कर दो पी जां क्यू मैं इहनूं इलीमिनेट कर लैणा देखे पुत्त इधर इलीमिनेट डेल पी अपॉन डेल एक्स फ्रॉम 4 एंड 5 इन्हों दो चो लिमिनेट कर किस तरीके लिमिनेट करो पुत 4 नू मैं डेल फाई अपॉन डेल पी ना मल्टीप्लाई कर ला माइनस 5 नू डेल एफ अपॉन डेल पी ना मल्टीप्लाई कर 4 इंटू डेल फाई अपॉन डेल पी माइनस 5 इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी सो कैंसल हो गया बेटा मेरे लिए की आ गया बेटा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल पी माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी बेटा इन मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं इस चो पी की आ गया पुत्र कॉमन किन्ना आ गया डेल एफ अपॉन डेल जेड डेल फाई अपॉन डेल पी माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल पी
प्लस बेटा इस देखो बेटा की गो बना रहे डेल क्यू अपॉन डेल एक्स कितना आ गया बेटा मेरा डेल एफ अपॉन डेल क्यू डेल फाई अपॉन डेल पी माइनस डेल फाई अपॉन डेल क्यू डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर सिक्स फॉर उन बेटा पार्शियल डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड थर्ड विद रिस्पेक्ट टू वाई करना पहला की किता से बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई सुन समझे ऐसे ना पुत्र एफ की जो फंक्शन है एक्स वाई जेड पी क्यू अपने किस ना करना बेटा वाई ना तो की लिखांगे पुत्र पहला एफ नू एक्स ना फिर एक्स नू वाई एफ की जो फंक्शन है एक्स एक्स नू वाई ना फिर एफ नू किस ना करांगे बेटा वाई ना वाई नू वाई ना प्लस फिर एफ नू जेड ना जेड नू किस ना करांगे बेटा वाई ना फिर एफ नू पी ना पी नू बेटा किस ना करांगे वाई एफ नू क्यू नाल बेटा क्यू नू फिर वाई ना इक्वल टू जी ओके बेटा एंड सेम बेटा फायदा आ जाएगा बेटा जिथे एफ है बेटा उथे की आ जाएगा फाइव हम देखो बेटा ध्यान विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं एक्स की हो गया कॉन्स्टेंट ए की हो गया जीरो ए वन की बन गया बेटा मिल गया कर ली एफ अपॉन कर ली वाई डेल एफ अपॉन डेल फाई वाई फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड ए की दे इक्वल है बेटा क्यों डेल एफ अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू जी ओके पुत्र तक फिर उस तो बाद एंड जीरो हो गया पुत्र डेल फाई पॉन डेल वाई प्लस डेल फाई पॉन डेल जेड पॉन डेल वाई डेल फाई पॉन डेल पी पॉन डेल वाई डेल फाई पॉन डेल क्यू पॉन डेल वाई कटो जी हूँ ये अपने की इलीमिनेट करना बेटा जिमें इस मैं की इलीमिनेट किया डेल पी पॉन डेल एक्स ए डेल क्यू पॉन डेल वाई इलीमिनेट करना क्या को इस तरह भी कर सकते हैं डेल क्यू पॉन डेल एक्स ए डेल पी पॉन डेल वाई कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इक्वेशन नंबर सिक्स सेवन इलीमिनेट डेल क्यू पॉन डेल वाई फ्रॉम सिक्स एंड सेवन बेटा किस तरीके ना करांगे सिक्स नू किस ना मल्टीप्लाई करा पुत्र देखो पुत्र डेल फाई पॉन डेल क्यू माइनस सेवन नू डेल एफ पॉन डेल क्यू मैं लिख लगिया बेटा ध्यान ना सुनना इस नू किस ना किता बेटा डेल फाई पॉन डेल क्यू की बन गया मेरे लिए डेल एफ अपॉन डेल वाई इनटू डेल फाई पॉन डेल क्यू माइनस डेल फाई पॉन डेल वाई इंटू डेल एफ पॉन डेल क्यू दूजी जो की कॉमन आ रहा है बेटा क्यू देखो देखो दोनों जो की कॉमन आ रहा है बेटा आपके लवे क्यू कॉमन आ रहा है बोच किन्ना आ गया बेटा देखियो क्यू इंटू करली एफ पॉन डेल एफ पॉन डेल जेड डेल फाई पॉन डेल क्यू माइनस डेल फाई पॉन डेल जेड डेल एफ पॉन डेल क्यू ओके बेटा फिर बेटा इन्हों दो च देखो ए चो की कॉमन आ रहे डेल पी अपॉन डेल वाई की आ गया बेटा वो डेल एफ अपॉन डेल पी इंटू डेल फाई पॉन डेल क्यू माइनस डेल फाई पॉन डेल पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू जीरो बेटा हम देखियो पुत्र उरे किन्ने
डेल क्यू पॉन डेल एक्स उथे किन्ना डेल पी पॉन डेल वाई इक्वेशन नंबर 6 बेटा ध्यान ना देखो तो उरो रिलेशन ना लग गया बेटा मैं कि डेल पी पॉन डेल पी पता ना बेटा पी नु की लिख देने डेल जेड पॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर जेड पॉन डेल वाई डेल एक्स इस नु की लिख सकते हैं बेटा अपन डेल एक्स डेल वाई स्टार्टिंग से दस दी मेरे फर्स्ट लेक्चर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯੰਗ ਥਿਓਰਮਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲ ਪੋਨ ਡੈਲ ਐਕਸ ਡੈਲ ਜ਼ੈਡ ਪੋਨ ਡੈਲ ਵਾਈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਡੈਲ ਪੀ ਪੋਨ ਡੈਲ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਡੈਲ ਕਿਊ ਪੋਨ ਡੈਲ ਐਕਸ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਡੈਲ ਐਫ ਪੋਨ ਡੈਲ ਵਾਈ ਡੈਲ ਫਾਈ ਪੋਨ ਡੈਲ ਕਿਊ डेल फाई पॉन डेल वाई डेल एफ पॉन डेल क्यू प्लस क्यू डेल एफ पॉन डेल जेड डेल फाई पॉन डेल क्यू माइनस डेल फाई पॉन डेल जेड डेल एफ पॉन डेल क्यू प्लस डेल क्यू पॉन डेल मेरी जगह पुट करती वैल्यू बेटा डेल एफ पॉन डेल पी डेल फाई पॉन डेल क्यू डेल फाई पॉन डेल पी डेल एफ पॉन डेल क्यू इक्वल टू जी ये इक्वेशन नंबर बेटा मैं 7 ले लिया मैं 6 प्लस 7 कर रहा हूं दोनों प्लस कर रहे हैं ये इक्वेशन ते इक्वेशन मैं प्लस कर रहा हूं बेटा की बन गया देखो बेटा डेल एफ पॉन डेल एक्स डेल फाई पॉन डेल पी माइनस डेल फाई पॉन डेल एक्स डेल एफ पॉन डेल प्लस डेल एफ पॉन डेल वाई डेल फाई पॉन डेल क्यू डेल फाई पॉन डेल वाई डेल एफ पॉन डेल प्लस पी डेल एफ पॉन डेल डेल जेड डेल फाई पॉन डेल पी डेल फाई पॉन डेल जेड डेल एफ पॉन डेल पी प्लस क्यू डेल एफ पॉन डेल जेड डेल फाई पॉन डेल क्यू डेल फाई पॉन डेल जेड डेल एफ पॉन डेल क्यू बेटा इस तो देखो बेटा आप इतना कॉमन ही निकल गया ना बेटा डेल एफ पॉन डेल क्यू ठीक है बेटा डेल फाई पॉन डेल पी ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪ ਚ ਕੈਂਸਲ ਡੈਲ ਫਾਈ ਪੋਨ ਡੈਲ ਕਿਊ ਡੈਲ ਐਫ ਪੋਨ ਡੈਲ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕੈਂਸਲ ਸੋ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ देखियो बेटा अगे इस कॉमन कटन लगे बेटा वैल्यूज देखियो पहला इस तरह बेटा पहला डेल फाई अपॉन डेल पी कॉमन की बच गया बेटा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड आ हो गया बेटा देखो तो ओके बेटा फिर अगे डेल फाई अपॉन डेल क्यू देखिए बेटा डेल फाई पॉन डेल क्यू आ टर्म दोनों बेटा कितना आ गया डेल एफ पॉन डेल एक्स प्लस क्यू डेल एफ पॉन डेल जेड ओके बेटा प्लस फिर कर डेल फाई पॉन डेल एक्स देखिए बेटा डेल फाई पॉन डेल एक्स इक्वेटर में बेटा डेल फाई पॉन डेल एक्स की दी है पुत्र इक्वेटर में ना बेटा कितनी आ गई डेल फाई पॉन डेल एक्स डेल एफ पॉन डेल पी माइनस ओके बेटा आ गई ए भी हो गई पुत्र फिर मैंने करनी है डेल फाई पॉन डेल वाई देखिए बेटा डेल फाई पॉन डेल वाई प्लस डेल फाई पॉन डेल वाई माइनस डेल एफ पॉन डेल क्यू इस तो बेटा अगे नेक्स्ट मेरे टर्म रह गया बेटा जेड
डेल फाइव अपॉन डेल जेड। देखो कहेगी टर्म रहेगी बेटा, एक ए रहेगी माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू जी। मैंने वो याद करो बेटा लैंग्रेज लीनियर इक्वेशन, इन एक्सटेंडेड फॉर्म च लिख गया लैंग्रेज, पहला सिंपल देख लो बेटा इस तरफ लिख रहे आप लिखते सी बेटा पी 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 प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, आप लिखते सी ना बेटा उत्थे की लिखते सी डी एक्स अपॉन पी, उत्थे पी इस पी का की सी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, उरे डेल जेड अपॉन डेल वाई आई लिखते सी ना बेटा, तो उड़े की लिखते सी डी एक्स पोन पी डी वाई पोन क्यू जी आ फंक्शन है डी जेड अपॉन आर। इन पुत मैं एक्सटेंडेड फॉर्म लिखती जनरल फॉर्म की सॉरी लैंग्वेज की एक्सटेंडेड फॉर्म। हूँ देखो बेटा उरे किन्ने देखो ध्यान पूरे जिमें डेल एक्स सी तो मैंने डी एक्स लिखा ना उरे की लिखूंगा पुत मैं डी पी अपॉन बेटा फॉर्म है इस तो बिना क्वेश्चन नहीं होने थोड़े डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू ओके बेटा जिम्मे में डेल एक्स सी मैं डी एक्स पाया एक एक्सटेंडेड फॉर्म है उसकी उन्हें की है पुत तो उन्हें कि लिखा डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी एक्स ओके बेटा किन्ना आ रहा है डी एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी फिर डी वाई किन्ना आ गया बेटा माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू फिर बेटा डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू जिमें उरे बेटा की सी डी जेड पाया सी उरे की पावांगे डी फाइव अपॉन कोई वैल्यू नहीं बेटा जी। सो पुत यह फॉर्म है बेटा अपनी जिसने अपने की करने है क्वेश्चन इन्होंने कोई भी दो रिलेशन लैके आप पी क्यू की वैल्यू कट के इक्वेशन सैकंड पुट करा फिर इंटीग्रेशन अप लवे की आ जाएगा पुत तो कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा आप सोल्व किए ना बेटा मैं सैकंड लैक्चर दसिया लैंग्वेज लीनियर इक्वेशन किमें सोल्व करना उमें बेटा वो सोल्व करके पी क्यू च रिलेशन बना के उसनों इक्वेशन नंबर टू च पुट करना उदू आप जो इंटीग्रेट करा तो उतो की मिल जाएगा बेटा आप लवे कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। सो यही बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर मैथड पर ध्यान रखियो बेटा इस तो बिना कोई भी क्वेश्चन सुटा नहीं होना। सो बड़े ध्यान है याद कर लेना बेटा इस इक्वेशन। सो बेटा थैंक यू वेरी मच सीन ध्यान करना बेटा तो क्वेश्चन आप नैक्सट एग्जाम्पल ट्राई करा बेटा नैक्सट वीडियो एग्जाम्पल मैं दसूंगा फिर अभी क्वेश्चन ट्राई करने बेटा थैंक यू वेरी मच।